बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीबॉडी, आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। ये देखिए आज की मेरी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट की रेसिपी है ये। यह शिमला मिर्च और पनीर की रेसिपी, कैप्सिकम एंड पनीर की सब्जी है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये और बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं इसका इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो देखिए इसके इंग्रेडिएंट में क्या क्या चाहिए होता है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। ये आप लोग देख ही रहे, ये कैप्सिकम है, शिमला मिर्च ये मैंने काट लिया था इसी साइज के, ये देखिए, ये शायद ये 4 मीडियम साइज की कैप्सिकम है। ठीक है, मैंने 4 लिया है। ये 200 ग्राम मैंने पनीर लिया है, ये वही पनीर है, फ्रोजन वाली पैकेट वाली पनीर है। ये बिग साइज की 1 ऑनियन है जिसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मैं सब्जी में सिर्फ चॉप करी हुई अनियन डालती हूँ। ठीक है, ये है, ये भी चॉप किया हुआ टमाटो है, ये मीडियम साइज की 1.5 टमाटो है। ठीक है, और ये कुछ ये साबुत लाल मिर्च है, वो मैं लेटर ऑन ऐड करती जाऊंगी आप लोगों को मसाला। ठीक है, और मैं बताती जाऊंगी, मैंने मेन इंग्रेडिएंट मुझे ये डालना है तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, फिर लेटर ऑन में जो जो मसाला ऐड करती जाऊंगी आप लोगों को बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैंने तो यहाँ देखिए ऑयल हीट करने रख दिया था, अच्छा खासा ये हीट हो गया है। तो सबसे पहले मैं ये प्याज ऐड करूंगी, प्याज को अच्छे से थोड़ी सी ब्राउन करना है मुझे, ज्यादा नहीं। ये देखिए मेरी जो प्याज है ना, ये बहुत अच्छे से एक हल्का सा कलर आ गया है। इस स्टेज पे मुझे क्या करना है, ये 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन। ठीक है, ये मैं ऐड करूंगी, ये ऐड करके अदरक लहसुन और प्याज को थोड़ी देर भूनूंगी। ओके, उसके बाद मुझे इसमें टोमेटो ऐड करना। ये देखिए ये प्याज और जो मैंने अदरक लहसुन डाला था, गार्लिक और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, ये अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटो ऐड करूंगी। ठीक है, ये देखिए अब मैं एक एक करके, जो बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ही सिंपल मसाला डालता है, ज्यादा नहीं डलती है, तो एक एक करके मसाला ऐड करूंगी। ये देखिए ये बिल्कुल ही लग रहा है तेल छोड़ लिया है इसे टमाटो। इस स्टेज पे मैं ये देखिए ये साबुत मिर्च है ये डालूंगी। ठीक है, थोड़ी देर मिर्च को पकना है। और ये सारे मसाला इसमें मैंने क्या लिया है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर लिया है भुनी हुई, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया। इसमें हम हल्दी का यूज नहीं करेंगे इसलिए मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ। सारा मसाला डाल दिया है मैंने, अब बहुत अच्छे से एक मिक्स करूंगी। थोड़ी सी मसाला भुन जाए तो उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। जी ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको भून लिया था मसाले को, और मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। इस स्टेज पे मैं क्या करूंगी कि मैं पनीर ऐड करूंगी। ठीक है, पनीर मैं पहले ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे ये जो है ना पनीर ये फ्रोजन है, तो फ्रोजन पनीर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने इसको माइक्रोवेव में भी नहीं किया था। मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने बोला था फ्रोजन पनीर झटपट बनाने के लिए आप इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए, करने के बाद दीजिए तो पनीर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अभी मेरे पास टाइम है तो इसलिए मैंने माइक्रोवेव में नहीं डाला, मैंने डायरेक्ट डाला है इसमें, और थोड़ी देर में लिड लगा के पनीर को सॉफ्ट होने का वेट करूंगी। उसके बाद मैं ये मेरे कटी हुई जो शिमला मिर्च है उसको ऐड करूंगी। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैंने इसके अंदर से लीड हटा लिया है। ये देखिए मेरे पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, इसमें ये शिमला मिर्च ऐड करूंगी। आप चाहे तो शिमला मिर्च को पहले ऐड कीजिए अगर आप लोगों को बहुत गला हुआ चाहिए। मुझे ना ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा गला हुआ पसंद नहीं है, तो मैं शिमला मिर्च इसीलिए सबसे एंड में ऐड करूंगी क्योंकि शिमला मिर्च पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए ये उतनी ही लजीज बनती है ये सब्जी। आज मुझे मेरी एक फ्रेंड दोस्त की बहुत याद आ रही है, मैं अक्सर नाश्ता पार्टी होती है हमारे यहाँ उस पे मैं ये सब्जी जरूर बनाती हूँ, और मेरी एक
बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, मतलब सभी तो बेस्ट फ्रेंड है, पर मेरी एक फ्रेंड को बहुत पसंद आता है ये शिमला मिर्च और पनीर की मेरे हाथ की सब्जी, तो मैं आज उसको मिस कर रही हूँ बहुत ज्यादा। जी देखिए ये 5 से 7 मिनट हो गए थे, ये देखिए बिल्कुल तैयार है मेरी पनीर और शिमला मिर्च की सालन, बिल्कुल तैयार है। ये देखिए सब्जी, ये भी वही वाली सब्जी है जो ड्राई बनती है, वो किसी के साथ भी, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, फुल्की के साथ आप को यूज़ कीजिए इसको, बिल्कुल डन है मेरी ये। अब मैं इस स्टेज पे इसमें क्या करूँगी, ये देखिए ये कसूरी मेथी है, ये मैं ज़रा सी ऐड करूँगी करके एक बार हिला दूंगी, बस 1 मिनट और इसको पकने देना है क्योंकि मैंने कसूरी मेथी डाला है। ठीक है, बस ये मैं अभी फ्लेम ऑन करूंगी इसका, ये बिल्कुल डन है, फ्लेम मैंने ऑन किया और ये मैंने हरा धनिया ऐड किया, बस मेरी चटपटी ये पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। जी ये देखिए बिल्कुल डन है, कितनी जबरदस्त लग रही है, और इसको इसी ब्रेकफास्ट में, डिनर पे, ठीक है ना, कभी भी इतनी लाइट हेल्दी, और सबसे बड़ी बात है चटपटी इतनी होती है कि किसी को भी पसंद आती है सब्जी, ठीक है ना, पराठे के साथ, फुल्की के साथ, दाल चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ बिल्कुल इसका कॉम्बिनेशन बनता है। आप इसको सर्व कीजिए। दोस्तों ये देखिए मेरी शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बनके तैयार है, मैंने ऊपर से जरा सी चिली फ्लेक्स भी डाल दिया था ताकि उसका लुक बहुत अच्छा आए और खाने में भी थोड़ी तीखी हो जाए, वो चटपटी मसालेदार मेरी ड्राई सूखी सब्जी जिसको कहते हैं ना, ये बनके तैयार हो गया। प्लीज दोस्तों आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए मेरे कहने पे एक बार, और दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट पे लिखिएगा, और अगर किसी ने मेरी रेसिपी ट्राई किया है कोई सा भी, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, लिखना नहीं भूलिएगा, और मेरी चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और ऊपर जो बेल आइकन है उसको दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी, बाय।